न कोई तेल न शैम्पू, लंबे बालों के लिए आजमाए ये आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की यह जानकारी लाखों करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बालों को कैसे काला, घना, मजबूत किया जा सकता है और साथ ही बालों को लंबा करने के लिए किन किन उपायों की ज़रूरत होती है, और इसके साथ में बालों के कुछ अनसुने सच के बारे में भी आप जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। यदि आप हमारे बताए हुए तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने बालों को लंबा बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। सर से लेकर पांव तक बेहतरीन काले, लंबे, घने बाल भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप भी चाहती हैं कि आपके बाल काले, घने, लंबे हों और आपको बता दें कि मजबूत बाल होने से शरीर बिल्कुल आकर्षक हो जाता है, और अगर आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगी तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बालों का मजबूत रहने से ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये टिप्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप अपनी बालों को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकती हैं। आपको पता तो ज़रूर होगा कि आजकल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी दौलत सेहत होती है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं होता। हर कोई ऐसा शरीर चाहता है कि जो एकदम चुस्त, फिट और तंदुरुस्त हो, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को मेंटेन रखें और बीमारियों के जोखिम को कम करें। फिट रहने के लिए आपको अपनी डाइट और रोजाना की गतिविधियों में कुछ सुधार कर लेना चाहिए। शरीर की फिटनेस के लिए ज़रूरी तौर पर सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अंदरूनी अंगों के साथ ही त्वचा व बालों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो आपको कुछ समय तो ज़रूर देना होगा, तभी आप डेली लाइफ में संतुलन बना पाएंगी। आजकल जिस तरह बढ़ता प्रदूषण, खराब जीवन शैली लोगों ने अपना ली है, उससे बाल बढ़ते नहीं बल्कि असमय झड़ते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। बालों का बढ़ना कई बार धूल, मिट्टी, गंदगी और प्रॉपर हेयर केयर ना करने से भी रुक जाता है। कई बार केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल भी बालों को बेजान बना देता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं। अगर एक बार बाल टूटने लगे तो फिर उसका विकास कभी नहीं हो पाता। आप इस बात को भलीभांत जानती भी होंगी कि महिलाओं की 90% सुंदरता उनके बालों से ही होती है, इसलिए इन्हें स्वस्थ, बेहतर रखना आवश्यक होता है। जवाना चाहे कोई भी हो, लंबे, काले, घने, मुलायम बालों का फैशन अभी भी आउट नहीं हुआ है। एक ओर जहां लंबे बालों की देखभाल किसी टास्क से कम नहीं है, वहीं लंबे बाल पाना इतना भी आसान नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कुदरती तौर पर लंबे और घने होते हैं, लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से नहीं हैं तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ ज़रूरी बदलाव करके थोड़े ही दिनों में लंबे बाल पा सकती हैं। हम जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसमें अच्छी बात यह है कि ये सभी चीज़ें आसानी से मिल जाने वाली हैं। आपके बालों को लंबा करने और घना बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जिनका उपयोग कर आप अपने बालों को लंबा और घना और चमकदार बना सकती हैं। आज हम आपको यहाँ महिलाओं के बालों के कुछ हेयर टिप्स बताने वाले हैं, जो आपको बालों को बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित भी होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आज के इस वीडियो के जरिए उन आसान और बेहद फायदेमंद उपायों की शुरुआत करते हैं। लंबा बाल पाने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीज़ें। विटामिन सी। विटामिन सी न केवल बालों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये शरीर के लिए भी एक आवश्यक तत्व है। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप चाहें तो अपनी डाइट में संतरा, ब्रोकली, आंवला और दूसरे फलों को शामिल करके इस ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं।
बालों के लिए प्रोटीन से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रोटीन न केवल बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है बल्कि उन्हें पोषण भी देता है। ऐसे में लंबे घने बालों के लिए आज से ही अंडा, चिकन, मछली, दाल, दूध और उससे बने उत्पाद लेना शुरू कर दें। इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। आपको बता दें कि बालों की ग्रोथ के लिए जिंक एक जरूरी तत्व भी है। ये बालों को भीतर से पोषित करने का काम करता है। अंडे में और साबुत अनाज में भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा खजूर में भी जिंक की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। विटामिन B7 या बायोटिन, सूखे मेवों में विटामिन B7 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बालों को लंबा बनाने वाले ये एक जरूरी तत्व हैं। आप चाहें तो बादाम, अखरोट और मूंगफली खाकर इस आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। वैसे बाजार में इसके सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से ओमेगा-3 प्रोड्यूस नहीं होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों को और त्वचा को पोषित करने का काम करता है। इससे बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। ऐसे में उन चीज़ों को खाना शुरू कर दें जिनमें ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में मिलता हो। आप चाहें तो अपनी डाइट में मछली, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और कद्दू के बीज शामिल करके ओमेगा-3 की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। आइए आपको बता दें कि बालों को लंबा करने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। पहला, आंवला। विटामिन सी से भरपूर आंवला का सेवन करने और आंवला पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से बालों में सुधार आता है। सूखने पर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद आप अपने बालों में सीरम लगा सकती हैं। ऐसा करने पर आपके बाल धोने के बाद उलझेंगे नहीं। प्याज का प्रयोग भी बालों के लिए बहुत कारगर होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 2 प्याज का रस निकाल कर सिर में लगा लें। इस रस को कम से कम 30 मिनट बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से अपने बालों को धुल लें। ऐसा करने पर बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। केले का मास्क लगाएं। फलों में केला बालों के लिए हेल्दी होता है। इसके सेवन से बालों की ग्रोथ जल्द होती है। साथ ही इससे तैयार हेयर मास्क भी फायदेमंद हो सकता है। केले में विटामिन A, C और E के अलावा कई मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो बालों को मॉइस्चराइज और मजबूती देते हैं। केले का हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक केला लें। अब इसके बाद उसमें 2 चम्मच दही और 2 चम्मच गुलाब जल मिला लें और इसे मिक्स कर लें। इसे बालों और स्कल्प पर अच्छी तरह से लगाकर आधा घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर बालों को पानी से धो लें। नाशपाती के द्वारा एक नाशपाती को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच जैतून का तेल और 2 चम्मच दूध की मलाई मिलाकर महीन मिश्र तैयार करें। अब इस मिश्र को अपने बालों पर लगाकर 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें और शावर कैप की मदद से बालों को ढक लें। उसके बाद बालों को सादे पानी से धोकर साफ कर लें। आपको बता दें कि नाशपाती में वसा की मात्रा अधिक होती है जिससे बाल खूबसूरत और चमकदार बनते हैं। धन्यवाद।